सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट ऑन व्हेन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इज गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ सेमेस्टर 1, 3 एंड 5। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में और पेपर चेकिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए सेमेस्टर 5 का पेपर चेक हो रहा है गाइज। तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 के जो पेपर चेकिंग है वो एकदम जोर शोर पे चल रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट मुझे पता चला है उसके हिसाब से। और पेपर चेक किस तरह से हो रहे हैं वो सारा बात मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और probably आपके expectations के हिसाब से आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे पता चलेगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेडली मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आएंगे। सेमेस्टर 5 के जो रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेडली मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में आएंगे, ठीक है गाइस। और सेमेस्टर 3 का जो रिजल्ट है वो जून के मिडिल तक आएगा, और सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट तक आएगा। ये एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट के हिसाब से है, क्योंकि ये श्योरिटी के साथ बताना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब जो सबसे यूनिक बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइज, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, बहुत अलग अलग कॉलेजेस में प्रोफेसर्स हैं, जिन लोगों से मैंने बात किया कि आप लोगों का सेमेस्टर 5 का जो पेपर चेकिंग है वो किस तरह से चल रहा है, तो उन लोगों ने एक फीडबैक दिया है। तो सेमेस्टर 5 के में आप लोगों में ज़्यादातर बच्चों का जो पेपर है वो थोड़ा सा अकाउंट्स में डाउन चला गया है। अकाउंट्स में डाउन चला गया मतलब एज पर द एक्सपेक्टेशंस यू डिड नॉट परफॉर्म। आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टेप मार्किंग जहां तक है उस पेपर्स में, तो वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रोबेबली बच्चे पास तो कर जा रहे हैं बट बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली सेम 5 में जो लोग बीकॉम में हो, आप लोगों का इकोनॉमिक्स, मैथ्स और अकाउंटेंसी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग है गाइस कि आप बच्चों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा जो है वो टैक्सेशन में है, तो अभी तक के लेटेस्ट अपडेट से ये आपको पता चला। अब आते हैं सेम 3 में, जो अभी तक ऑन एन एवरेज पता चला है वो ये है माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स कि सेम 3 में आप लोगों में बच्चों का परफॉर्मेंस वहां भी वही है कि बच्चों ने अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल्स है उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, बट स्टिल वहां भी लिबरल चेकिंग है, सॉफ्ट चेकिंग है, तो स्टेप मार्किंग करके पास मार्क्स तो आप उठा ले रहे हैं, बच्चे 35-40 के रेंज में बहुत बच्चे पहुंच जा रहे हैं, ये भी है, बट बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जा रहे हैं। बट इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है गाइस कि बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया मैथ्स में, ज्यादातर बच्चों का आप लोगों में मैथ्स में प्रोबेबली रिजल्ट अच्छे जा रहे हैं। सो गाइज, अभी भी बहुत सारा चीज अपडेट आना बाकी है, बहुत सारा चीज बताना बाकी है, जैसे ही पता चलेगा आपके सामने लेके आऊंगा। मैंने ब्रीफिंग किया, ब्रीफ आइडिया आपको दिया है, क्योंकि सारा चीज किसने बताया, कौन बताया वो तो आपको नहीं बता सकते ऑन कैमरा, बट जितना आपके भाई ने बोला रिजल्ट आएगा मिला लेना, वीडियो इसी चैनल पर इसी जगह पर रहेगा, आप देख लेना। सो बच्चों, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।